नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब हमने लगभग सारे ही चैप्टर्स को, सारे पाठों को पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे हम पाठ 17, सांस सांस में बास। इसे लिखने वाले लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज, जिन्होंने इंग्लिश में इस पाठ को लिखा था। ये एक तरह का निबंध है जिसका हिंदी रूपांतरण किया है राइटर लेखक शशि सबलोक ने। जो सांस सांस में बास के पाठ का सार कुछ ऐसा है कि एक जादूगर थे चंकिंग चन लनबा। ये उनका नाम था, चंकिंग चन लनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए और जब मरने को हुए तो लोगों से बोले कि मुझे दफनाए जाने के 6 दिन बाद मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। वो एक जादूगर थे और हमारे हिंदू धर्म में हम मरने के बाद इंसान के शव को जला देते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में ऐसा नहीं होता है। ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्मों के लोग उस शव को जलाने के बजाय उस शव को दफना देते हैं मिट्टी में। तो उन्होंने यही बोला कि जब मुझे दफना दोगे तो उसके 6 दिन बाद मेरी कब्र, कब्र वो जगह जहां पे इंसान को दफनाया जाता है, खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। मौत के 6 दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से बांस की बहुत सारी टोकरियां निकली, अलग अलग डिजाइन की। बहुत सारी टोकरियां थी जो बांस से बनी हुई थी। बांस मतलब बैम्बू ट्री। बांस से बनी हुई बहुत सारी डिजाइन की टोकरियां उनकी कब्र में से निकली। और जो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है, जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, 7 राज्य, उनमें वहां का वातावरण कुछ ऐसा है कि वहां पर बांस बहुत उगता है, इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी बहुत है। सभी समुदायों के भरण पोषण मतलब उनके खाने पीने, उनके रहने की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जो जीवन शैली उनकी जो आधारित होती है, वो लगभग बांस के ऊपर ही होती है। उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड के नागा, नागालैंड के नागा मतलब वहां के जो आदमी होते हैं उन्हें नागा बोलते हैं, वो भी बांस की चीजें बनाने में बहुत उस्ताद होते हैं, क्योंकि वहां पर बांस बहुत उगता है। इसलिए पूरी सेवन सिस्टर्स जो है, जिसमें सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर बांस का बहुत चलन है, बहुत उगता भी है और लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बना हुआ है। लोगों के भरण पोषण में बांस बहुत ज्यादा उपास का हाथ होता है। बांस से वे केवल टोकरियां ही नहीं बनाते, बांस की खरपच्चियों, खपच्चियां होती हैं बांस के छोटे छोटे हिस्से जिन्हें वो काट के अलग करते हैं और उनसे पतली पतली लकड़ियां निकालते हैं, उन्हें बोलते हैं खपच्चियां। बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां बनाते हैं, टोपियां बनाते हैं, टोकरियां बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, बैलगाड़ियां, फर्नीचर और बहुत सारा सजावटी सामान जो मकान में हम रखते हैं वो बांस की खपच्चियों से बनाया जाता है। खपच्ची मतलब बांस को छील कर उसकी पतली पतली सतह निकाली जाती है, उसे बोलते हैं खपच्चियां। असम में जकाई से मछली पकड़ते हैं। जकाई एक तरह का औजार है मछली पकड़ने का, उससे वो पानी में डाल के छोटी छोटी मछलियां पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है और बांस की खपच्चियों को इस तरह से बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लेते हैं। शंकु जो ऊपर से एक चोटी निकली हुई होती है और नीचे पूरा खुला हुआ होता है, तो ये एक शंकु की तरह जकाई को बनाया जाता है असम में, और इससे वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है और निचले निचले नुकीली सिरे पर खपचिया एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। खपचिया आप देख रहे हैं बच्चों, ये बांस की पतली पतली जो लेयर निकाली गई है, सतह निकाली गई है, उन्हें हम बोलते हैं खपचिया। जुलाई से अक्टूबर घमासान बारिश के महीने हैं। वहां पर इस समय जुलाई से लेकर अक्टूबर तक खूब बारिश होती है, यानी
लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त होता है क्योंकि उस समय वो काम नहीं कर सकते, इतनी बारिश में उनका काम ही बांस से करने का है और बांस गीला होता है तो बांस से वो इतना काम कर नहीं पाते, इसलिए उनके पास बहुत सारा खाली वक्त होता है। उस समय में वो लोग आसपास के जंगलों से बांस को इकट्ठा करते हैं जुलाई से अक्टूबर तक, फिर चाकू से इन्हें छीलकर वो खपचिया तैयार करते हैं, छोटी छोटी लेयर्स निकालते हैं, सतह निकालते हैं। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है, जो सामान उन्हें बनाना है उसके हिसाब से वो उसकी लंबाई को पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं। अगर छोटा सामान है तो छोटी खपचियां बनाई जाती है और अगर बड़ा है कुछ तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बनाई जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, मतलब अगर छोटा आसन बनाना है तो बीच बीच में उनके गठाने होती है बांस में। आपने देखा हो गोल गोल राउंड जो लाइनें बनी हुई होती हैं वो गठाने कहलाती हैं, तो वहां वहां तक उसे काटा जाता है। आमतौर पर खपचियों की लंबाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। आप जो चित्र में देख रहे हैं ये है खपची, इसे काट के पतली पतली सतह निकाली जाती है और फिर इसकी खपचियां बनाई जाती है। चौड़ी खपचियां किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीर कर पतली पतली खपचियां बनाई जाती हैं। पतली खपचियां क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो लचीली होती है ना, और आसानी से गुथ जाती है, आसानी से चीजें बन जाती है, इसलिए पतली पतली बनाई जाती है। खपचिया बनाना भी एक उस्तादी का काम होता है, बहुत सावधानी से खपचियों को बनाना पड़ता है, नहीं तो वो पूरा बांस खराब हो सकता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। टोकरी बनाने से पहले खपचियां, इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। उन खपचियों को पहले बना लिया जाता है, बहुत चिकना किया जाता है, उसके बाद उन्हें रंगा जाता है और इसके लिए ज्यादातर वो गुड़हल और इमली की पत्तियों का उपयोग करते हैं। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। यदि उन्हें खपचियों को काला रंग देना है तो आम के पेड़ की छाल में उन खपचियों को लपेटा जाता है और उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। खपचियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी होता है, तभी किसी भी चीज को बनाने में वो चीज तभी इतनी सुंदर बनती है। अगर खपचियां चिकनी होती हैं तो वो चीज उतनी ही सुंदर और आकर्षक दिखती है। खपचियों को तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है और इससे चेक का डिजाइन बनता है। चेक मतलब क्रॉसिंग का डिजाइन, एक आड़ी और एक तिरछी और फिर उनके ऊपर नीचे घुमाकर खपचियों को एक डिजाइन दिया जाता है। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है, 2 या 3 बार हम उसे ऊपर नीचे लेकर जाते हैं। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरियों के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गुथ लिया जाता है, जब वो सिरा निकल जाता है तो वहां पर खपचियों को हम जैसे चोटी गुथते हैं वैसे गुथ लिया जाता है, या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो बच्चों ये थी बांस की कहानी, सांस सांस में बांस। इस पाठ का नाम सांस सांस में बांस बांस इसीलिए रखा गया क्योंकि इसमें उन राज्यों के बारे में बताया गया, उन राज्यों की शैली के बारे में बताया गया जहां पर कि बांस लोगों के जीने के जरिया है, लोगों के जीने का माध्यम है, इसीलिए बांस को कहा गया सांस सांस में बांस। धन्यवाद।